हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्रोशंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे वही कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किए थे। फंडामेंटल कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्रोशंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपके स्टडी बूस्टअप हो। कंटिन्यू करते हैं कि जो अदर कंसेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट रहते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट के अलावा, जो अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट है कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो एंटिटी होती है, जो पहचान होती है बिजनेस की और उसके ऑनर्स की, वो अलग होती है। जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिजनेस की, तो वो बिजनेस के नाम से की जाती है, ना कि ओनर के नाम से। तो यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो बिजनेस के नाम से किए जाते हैं, ना कि ओनर के नाम से। जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, जो बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं, जो बुक्स बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे बिजनेस के नाम से की जाती है, ना कि ओनर के नाम से। क्योंकि जो पहचान है बिजनेस की और ओनर की, वो अलग मानी गई है। डिस्टिंक्ट एंटिटी के रूप में हम इसको लेके चलते हैं कि बिजनेस एक अलग पहचान रखता है और जो इसका ओनर होता है वो अलग पहचान रखता है। तो यहाँ पे बिल्कुल टोटली अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाती। जो प्रोप्राइटर होता है उसको क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है बिजनेस का। तो इसी कारण से जब प्रोप्राइटर कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, तो वो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या होता है, बोरो फंड मानते हैं कि बिजनेस ने पैसा उधार लिया है। ये जो उधार लिया पैसा, ये ओन प्रोप्राइटर से लिया है, ना कि आउटसाइड पार्टी से, क्योंकि ये प्रोप्राइटर से उधार लिया हुआ पैसा है कैपिटल। इस कारण से उसको माना गया है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी, जिस कारण से कैपिटल को हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ये रीज़न रहता है कि जो इंटरेस्ट अलो के जाते हैं कैपिटल का, उसको हम एक्सपेंस मानते हैं बिजनेस के लिए। क्योंकि जब कैपिटल लगाई जाती है तो कैपिटल के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है बिजनेस की तरफ से, वो बिजनेस के लिए खर्चा होगा। इसका इम्पैक्ट दो साइड पे पड़ता है। हम इसको समझते हैं कैसे। कहता जब प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, तो जब कैपिटल लगाए गए बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के लिए प्रोप्राइटर की कैपिटल क्या मानी गई है, बोरो यानी कि उधार लिया हुआ पैसा माना गया है। ये बोरो फंड है बिजनेस के लिए, लेकिन ये बोरो फंड है जो इसको ओन प्रोप्राइटर से उधार लिया गया है, ना कि आउटसाइड पार्टी से। तो इस कारण से जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो बिजनेस की बनाई जाती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट में हम किस तरीके से कैपिटल को दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में हमारे पास ये लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड पे यहाँ पे हम कैपिटल का जो दिखाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जब प्रोप्राइटर ने बिजनेस को कैपिटल दी, तो बिजनेस क्या करता है, इस कैपिटल के ऊपर ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो जब बिजनेस ने ये इंटरेस्ट पे किया प्रोप्राइटर को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। तो बिजनेस इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे ट्रीटमेंट करेगा, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका इम्पैक्ट दो अकाउंट्स के ऊपर पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट दो अकाउंट के ऊपर पड़ेगा। एक तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होगा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि जितने खर्चे होते हैं बिजनेस के वो डेबिट साइड दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। और बैलेंस शीट में क्या होगा कि हम कैपिटल के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में हम इसमें ऐड करके दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इम्पैक्ट हमें दो अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिला, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, दूसरा बैलेंस शीट के ऊपर। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ये डेबिट साइड होती है, तो यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से यहाँ पे डेबिट साइड पे इसको दिखा देंगे और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करके दिखा देंगे। अगर जो प्रोप्राइटर है, अगर प्रोप्राइटर क्या करते हैं, प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा निकाल के ले जाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए जब प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसा निकाला तो ये ड्रॉइंग कहलाता है कि क्या किया प्रोप्राइटर ने, पैसा ड्रॉ कर लिया, बिजनेस से निकाल लिया और उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है। इसी तरीके से कई बार प्रोप्राइटर क्या करते हैं कि जो गुड्स होती हैं, गुड्स जो बनाए जाते हैं बिजनेस के अंदर, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो उस केस में जो गुड्स होंगी, गुड्स भी क्या ट्रीट की जाएंगी, ड्रॉइंग ट्रीट की जाएंगी। अगर पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, दोनों ही ड्रॉइंग मानी जाती हैं बिजनेस के लिए कि ये प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो विदड्रॉ कर लिया बिजनेस से। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोप्राइटर की, तो कहते हैं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के कारण ही जो प्रोप्राइटर का घर होता है उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो की होती है सिक्योरिटीज़ के अंदर, उसकी पर्सनल कार, पर्सनल इनकम और एक्सपेंडिचर ये अलग माने जाते हैं, अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं इसके लिए। बिजनेस एंटिटी के अंदर इसको नहीं दिखाया जाता क्योंकि प्रोप्राइटर अपने अलग से हिसाब किताब रखेगा जो उसके पर्सनल हैं, और बिजनेस के जो अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस के नाम से जो रखे जाते हैं। अगर प्रोप्राइटर है कुछ अदर बिजनेस है जो चलाता है, तो जो उसके रिकॉर्ड होंगे अदर बिजनेस के वो भी अलग रखे जाएंगे। अगर बिजनेस के अंदर हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को इस्तेमाल ना करें तो जो नेट प्रॉफिट और जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो हमें पता नहीं चल पाएगी। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है जो ये फॉर्म लागू होती है हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि जो ये हम कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को लागू करते हैं हर एक बिजनेस के ऊपर, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान बिजनेस को चलाता होता है, पार्टनरशिप हो चाहे वो कंपनी हो, तो हर एक बिजनेस फॉर्म के ऊपर है जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट लागू होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाम से ही क्लियर है कि जो ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी उनको पहले मनी के टर्म में मेज़र करेंगे, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ताकि हमें जो ट्रू और फेयर पिक्चर है बिजनेस की वो पता चल पाए। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, कहते कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के अंदर जिनको मनी के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्यों ना हो बिजनेस के लिए, हम उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे जब तक वो मनी के टर्म में मेज़र नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब झगड़ा हो जाता है प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में और सेल्स मैनेजर के बीच में, तो इसका असर जो देखने को मिलेगा बिजनेस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्योंकि ये मनी के टर्म में मेज़र नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जो स्ट्राइक, जो हड़ताल कर देते हैं वर्कर्स, उसका असर ज़रूर होता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मनी मेज़रमेंट नहीं हो पाएगा। जो कंपटीटर ने प्रोडक्ट दिया है, लॉन्च किया है मार्केट के अंदर, जो कंपटीटर है उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है कंपटीशन का बिजनेस के ऊपर, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि मनी के टर्म में नहीं है। तो जो ये फैक्ट्स होते हैं हैपनिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मनी टर्म, तो जो ये हमारे पास ये हमने फैक्ट पढ़ी हैं, जो हैपनिंग पढ़ी हैं हमने, ये मनी के टर्म में हम इसको मेज़र नहीं कर पाते, इस कारण से इसको जो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है कि हमें ध्यान में रखना है कि जो मनी है सिर्फ एक ऐसे इकलौता मात्र है मेज़रमेंट करने का, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को जो डाइवर्स नेचर के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, उसको इकट्ठा करके हम ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिजनेस के अंदर एक पार्टिकुलर डे में 50,000 की कैश है, 5,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है, 10,000 किलोग्राम फिनिश गुड्स है, 5 मशीनें हैं, 100 चेयर्स हैं और 20 फैन हैं, तो कहते ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको हम तब तक ऐड अप नहीं करेंगे जब तक ये मनी के टर्म में मेज़र नहीं होगी।
इन ऑर्डर टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ दिस आइटम, इन आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इनको एक्सप्रेस करना होगा मनी के टर्म में, जैसे कैश 50,000, रॉ मटेरियल 2,50,000, फिनिश गुड 5,00,000, मशीन 20,00,000, चेयर 50,000, फैन 80,000। एज सच टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलेवेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रिलेवेंट बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल और होमोजीनियस बनाने के लिए, दे आर एक्सप्रेस इन कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसको कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, जिसे हम मनी कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं कि जो ये कंसेप्ट है किससे जुड़ा हुआ है, अकाउंट के पीरियड से। यानी कि अगर हम इसको समझें कि जो बिजनेस का ट्रू पिक्चर होता है कि एग्जैक्ट उसने कितना प्रॉफिट लिया या कितना लॉस रहा, तो वो सिर्फ तभी पता चल सकता है जब बिजनेस को बंद करना होता है। कंप्लीट जब बिजनेस को बंद करेंगे तभी हमें ट्रू पिक्चर है जो बिजनेस के बारे में पता चलती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो बिजनेस होता है ये लंबे टाइम पीरियड तक चलता है, हो सकता है ये 10 साल, 20 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, या जितना भी इन डिफाइन पीरियड होते हैं, जितना लंबा टाइम पीरियड चले, तो हम उतने टाइम पीरियड तक इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब बिजनेस बंद किया जाएगा उसके बाद जब हमें ट्रू पिक्चर पता चलेगी कि एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस क्या पोजिशन है बिजनेस की, तब हमारे लिए वो इरिलेवेंट हो जाएगा डाटा। क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी होती है बिजनेस की पोजीशन के बारे में। इस कार से जो पूरी लाइफ टाइम होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है, ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, कहते हैं कि जो बिजनेस होते हैं ये कॉन्टिन्यू चलते हैं इनडिफाइन पीरियड तक, यानी कि लंबे टाइम तक चलता है। जो ट्रू रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस ऑपरेशन के बारे में, ये सिर्फ हमें तभी पता चलेंगे जब बिजनेस को कंप्लीट बंद कर दिया जाएगा, वाउंड अप कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट है इतने लंबे टाइम के बाद जब हमें पता चलेगा, तो इसका यूज़ हमारे लिए बहुत कम रहेगा। प्रोप्राइटर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे अदर पार्टीज़ हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट होगा एक करेक्टिव स्टेप लेने के लिए। क्योंकि करेक्टिव स्टेप लेने के लिए टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी होती है। अगर सबसे लास्ट में हमें पता चलेगा कि पोजीशन क्या है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो उस टाइम तो सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा, तो कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इतना लंबा टाइम है कोई भी इंतज़ार नहीं कर सकता। द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट और द बिजनेस एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो जो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उन्हें बिजनेस की इंफॉर्मेशन है जो फ्रीक्वेंट इंटरवल पे चाहिए होती है। इस कार से जो इंटायर लाइफ होती है, जो पूरी फर्म का जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम टाइम इंटरवल्स के अंदर बांट देते हैं, जिससे हम हर टाइम पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी जो बिजनेस की वो जान जाते हैं, जिसे हम 12 मंथ पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं, ताकि हमें हर 12 महीने के बाद, यानी कि 1 साल का जो पोजीशन है बिजनेस का, वो पता चल जाए। जो अमेंडमेंट इनकम टैक्स लॉ है, यानी कि जिसमें चेंज किया गया, एक्ट बनाया गया था इनकम टैक्स लॉ का, जो बिजनेस है उसके लिए कंपलसरी अडॉप्ट करना फाइनेंशियल ईयर को। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनीज हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश क्वार्टरली रिजल्ट टू डिपिक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 3 मंथ पीरियड। लेकिन जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जिन कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनको क्वार्टरली रिजल्ट है जो देने होते हैं, क्वार्टर होता है 3 मंथ का, यानी कि हर 3 महीने बाद छपवाना पड़ता है कि क्या पोजीशन है बिजनेस की, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हर 3 महीने के लास्ट में इसको छपवाएंगे। लेकिन ये उन्हीं कंपनी के लिए ज़रूरी है जिन्होंने अपने कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करवाया होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट रहता है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं कि जब असेट को ख़रीदा जाता है, जब उसको ख़रीदा जाता है जिस रेट के ऊपर, हम उसी कॉस्ट के ऊपर है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मार्केट में चाहे उस असेट्स की वैल्यू बाद में बदले, बढ़े या कम हो, तो उस चीज़ का इफेक्ट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर नहीं दिखाया जाएगा।
तो जो रेट जिस जो पे किया गया प्राइस असेट को अक्वायर करने के लिए, वही प्राइस जो कंटिन्यू रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यानी कि बैलेंस शीट के अंदर। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, कहते हैं कंसेप्ट कहते हैं कि जो असेट्स होते हैं इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है जिस प्राइस के ऊपर उसको अक्वायर किया जाता है, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर उसको ख़रीदा जाता है। जो ये कॉस्ट होती है ये बेस का काम करती है जितने भी आने वाले अकाउंटिंग होती है असेट्स की। जो ये अक्वायर कॉस्ट होती है यानी कि जो उसका परचेज करने वाला जो प्राइस होता है, जिसको हम एक्विजिशन कॉस्ट के नाम से जानते हैं, कि जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है पास्ट से जुड़ी होती है, इस कारण से इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट है जो बोला जाता है। जो कॉस्ट होती है, दिस कॉस्ट इज़ द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहते जो ये कॉस्ट होती है बेस बनती है असेट्स के वैल्यूएशन का जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बिजनेस के अंदर बिल्डिंग खरीदी गई 20 लाख रुपए की, तो हमने उसको 20 लाख रुपए में ही दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जो चाहे मार्केट के अंदर बाद में उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, इससे कोई भी असर है जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर नहीं दिखाएंगे। मान लेते कि 2 साल के बाद जो मार्केट के अंदर वैल्यू बिल्डिंग की 60 लाख रुपये हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसको चेंजेस को जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। हमने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने उसमें सिर्फ 20 लाख रुपये से ही दिखाया जाएगा, यानी कि जिस रेट पे उसको अक्वायर किया गया उसी रेट पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाया जाएगा। मार्केट वैल्यू के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस कारण से इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोला जाता है, कि जो पास्ट रेट होती है उसी को कंटिन्यू करके चलते हैं, मार्केट वैल्यू को जो करंट ईयर्स में जो चेंजेस आते हैं उसको अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो ये कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमने असेट्स को कॉन्टीन्यूसली उसी एक्विजिशन प्राइस के ऊपर दिखाया लंबे टाइम पीरियड तक। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि जो उसकी कॉस्ट होती है हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो जो उसकी कॉस्ट होती है कॉस्ट में से लेस करके डेप्रिसिएशन को है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। क्योंकि जब असेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा उससे उसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो जाएगी कम होती जाएगी जैसे जैसे उसका इस्तेमाल है जो असेट्स का किया जाएगा। यहाँ पे कुछ जस्टिफिकेशन की गई है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की कुछ आर्ग्यूमेंट के तहत। सबसे पहला आते हैं, दिस कॉस्ट इज़ ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल बिकॉज अ कॉस्ट रिकॉर्ड इन द बुक्स इज डिराइव फ्रॉम एन एक्चुअल ट्रांजेक्शन एंड इट इज़ नॉट आर्बिट्रेरी डिटरमाइंड। कहते जो ये कॉस्ट होती है ये ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई होती है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि जो कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है बुक्स के अंदर वो उसकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन के थ्रू की जाती है, ना कि आर्बिट्रेरी डिटरमाइन होती। आर्बिट्रेरी होती है कि जैसे आर्बिट्रेशन किया जाता है, जिसे में हम बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन के थ्रू करते हैं, ये आर्बिट्रेरी रेट नहीं होती, ये एक्चुअल रेट होती है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन से आती है, इस कारण से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन आता है, इट इज़ जस्टिफाइड बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट विच अज्यूम दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज़ इनडेफिनेटली एंड दस देर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग द करंट वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। तो जो हमने कंसेप्ट कवर किया था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है जो ये जस्टिफाई करता है कि जो हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं असेट्स के रिगार्डिंग, वो सारी जो ये डिनोट करती हैं इस चीज़ को कि बिजनेस है जो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, तो इसमें जो भी करंट वैल्यू है लिक्विडेशन वैल्यू है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जो कॉस्ट पे हमने इसको अक्वायर किया होता है सेट को, उसी कॉस्ट को कंटिन्यू करते हैं, यही कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है जो बोलता है। मार्केट वैल्यू जो करंट वैल्यू होती है असेट की, वो डिफ़िकल्ट होती है डिटरमाइन करनी, क्योंकि मार्केट वैल्यू करंट वैल्यू वो होते जो करंट टाइम पीरियड में चल रही होती है, करंट ईयर में चल रही होती है। द वैल्यूएशन बाई वन एक्सपर्ट विल नॉट बी द सेम एज ऑफ द अनदर। तो यहाँ पे करंट में क्या मार्केट वैल्यू रहेगी असेट्स की, इसका एस्टिमेशन लगाना वैल्यूएशन करने के एक्सपर्ट द्वारा ज़रूरी नहीं कि वही एक्सपर्ट मतलब वही वैल्यूएशन जो दूसरे एक्सपर्ट द्वारा लगाया जाए, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट जो अपनी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके जो डिटरमाइन करेगा मार्केट वैल्यू को। तो यहाँ पे जो उसके वैल्यूएशन करने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही एक्सपर्ट का वो सेम रहे जिससे हमें सही है जो रिज़ल्ट मिले। तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू होती है सेट की वो मुश्किल हो जाती है जाननी।
मार्केट वैल्यू द असेट में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम जानते हैं कि जो मार्केट प्राइस होता है असेट का, वो तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसमें टाइम के साथ है जो परिवर्तन आते रहते हैं। इट विल बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ अप एंड डाउन द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा कितना प्राइस अप गया कितना प्राइस है जो डाउन गया। नेक्स्ट आते हैं कुछ इसकी कमियां हैं, ड्रॉबैक हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की सबसे पहले आती है कि जो असेट्स होती है फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्ड, कि जिन असेट्स के लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता पैसा, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। दस ए फेवरेबल लोकेशन, जैसे हम फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह पे बिजनेस लगाया गया है जहाँ पे बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ग्रो कर पा रहा है, तो वो लोकेशन क्या है, फेवर है, उसमें फेवरेबल लोकेशन है बिजनेस के लिए, जिस कारण से बिजनेस का है जो बहुत अच्छा सेल हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा सेल हो पा रहा है। ब्रांड नेम है जो असर डालता है बिजनेस के ऊपर, जो रेपुटेशन होती है बिजनेस की, जो नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल स्किल होती है बिल्ट इन साइड द इंटरप्राइज विल रिमेन अनरिकॉर्डेड, थो दीज आर वैल्यूएबल असेट्स। कहते हैं कि जो हमारे पास असेट्स होती हैं जिनके लिए कोई भी पैसा पे नहीं किया जाता, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे फेवरेबल लोकेशन, ब्रांड नेम, रेपुटेशन, बिजनेस की नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल स्किल जो होती हैं, ले सारी असर जरूर डालती हैं बिजनेस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसको अनरिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर है जो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन ये जो असेट्स होती हैं ये वैल्यूएबल असेट जरूर होती हैं, इनकी बिजनेस के लिए वैल्यू जरूर होती है। जो इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर को और क्रेडिटर्स को, इनके लिए वो इंफॉर्मेशन है जो यूज़फुल नहीं रहती। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल का मतलब होता है कि जिसका असर दो जगह पड़े उसको डुअल बोलते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हर एक ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट्स के ऊपर है जो असर पड़ेगा। अगर एक अकाउंट को डेबिट किया गया तो वहीं दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, इसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड एज हैविंग ए डुअल एस्पेक्ट। जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं हर एक ट्रांजेक्शन्स को डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेस पर रिकॉर्ड किया जाते हैं। अगर एक ट्रांजेक्शन्स का अफेक्ट जो होता है वो कम से कम दो अकाउंट के ऊपर पड़ेगा, अगर एक अकाउंट को डेबिट किया गया तो वहीं दूसरे अकाउंट का जो क्रेडिट किया जाएगा, जो इस सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट कहते हैं कि जो दो साइड होती हैं बैलेंस शीट की वो हमेशा इक्वल रहती हैं, जैसे हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को, दोनों साइड जो होती हैं वो बैलेंस शीट में इक्वल आनी जरूरी होती हैं। बैलेंस शीट की दोनों साइड कौन सी होती हैं, असेट साइड और लाइबिलिटी साइड। असेट साइड इक्वल होते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करके, क्योंकि जब हम एक साइड तो असेट दिखाते हैं दूसरी साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करते हैं, तो ये दोनों ही साइड का इक्वल आना जरूरी होता है। सिंप्लीफाई करके समझे इस ट्रांजेक्शन को, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड होती है, ये होती है क्रेडिट साइड, ये होती है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम क्या करते हैं, कैपिटल को दिखाते हैं और लाइबिलिटी को दिखाते हैं, और असेट साइड पे हम यहाँ पे असेट जितनी भी होते हैं टोटल असेट, चाहे फिक्स्ड हो करंट हो, सभी असेट्स यहाँ पे आती हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर ये दोनों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्योंकि ये जो इक्वल होने का जो रीज़न रहता है वो ये रहता है कि जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हर एक ट्रांजेक्शन्स का दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि बुक के अंदर एग्जांपल दिया गया है कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने 20 लाख रुपए लगाए हैं कैश के, यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें 20 लाख की क्या हो चुकी है, कैपिटल हो चुकी है। और लाइबिलिटी कहते हैं कि लोन लिया गया बाहर से 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी राइज हो चुकी है। जब लोन लिया तो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, कहते हैं कि ये जो 20 लाख उसने कैपिटल लगाई है, 5 लाख जो उसने लोन लिया, तो ये दोनों 25 लाख इकट्ठा करके उसने क्या किया, उसे असेट्स खरीद ली। तो यानी कि असेट्स कितने की होगी, 25 की। तो इस तरीके से हमारे पास असेट्स और लाइबिलिटी दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है वेन एवर ए ट्रांजेक्शन इज़ टू बी रिकॉर्ड, जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन टू और मोर अकाउंट्स टू बैलेंस द इक्वेशन। कहते हैं कि उसको रिकॉर्ड किया जाता है दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स के अंदर ताकि इक्वेशन है जो बैलेंस हो जाए। अगर ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट का मतलब क्या है, या तो इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ है एक साइड है जो इक्वेशन की, तो यहाँ पर दूसरी साइड भी जो इफेक्ट देखने को मिलेगा,
या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा जो अदर साइड होगी इक्वेशन की, या फिर कहते इंक्रीज़ वन अकाउंट, अगर एक अकाउंट बढ़ गया है और डिक्रीज़ होगा अनदर अकाउंट जो होगा सेम साइड से इक्वेशन के अंदर, तो जिससे इक्वेशन क्या रहेगी वो बैलेंस रहेगी जब भी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, बैलेंस है ट्रांजेक्शन दोनों साइड से, यहाँ पे 25 लाख है असेट और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे 25 लाख बन रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहता है कि जैसे यहाँ पे हम समझते हैं इस कंसेप्ट को, यहाँ पे सेलर ले लेते हैं, यहाँ पे हम परचेजर यानी कि बायर ले लेते हैं, कि जैसे सेलर ने गुड्स को सेल किया है और गुड्स का जो टाइटल है और जो गुड्स की ओनरशिप है, ओनरशिप है जो जैसे ट्रांसफ़र कर दी बायर को, तभी मान लेंगे कि रिवेन्यू है जो रियलाइज्ड हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही सेलर ने गुड्स का टाइटल या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी बायर को, तो यहाँ पे जो बायर होते हैं ये लीगली बाउंड हो जाता है, कानूनी तौर पे ये बाध्य हो जाता है पैसा पे करने के लिए जो उसने गुड्स खरीदी होती है सेलर से। यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि जब एक्चुअल में कैश रिसीव होगा सेलर को तभी हमने मानना है कि रिवेन्यू हुआ है, जैसे ही टाइटल या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तभी हम मान लेंगे कि रिवेन्यू है जो रियलाइज्ड हो चुकी है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लेते हैं कि फर्म को जो ऑर्डर मिला है उसकी डेट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1 जनवरी को ऑर्डर मिला है और जो गुड्स भेज दी गई है फर्म द्वारा वो मान लेते हैं कि 20 जनवरी का गुड्स है जो भेज दी गई है, और मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को है जो कैश रिसिप्ट हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर 1 जनवरी को मिला है और जो गुड्स की सप्लाई की गई है वो 20 जनवरी को की गई है और जो कैश रिसीव की गई है वो 1 अप्रैल को की गई है। तो यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट कहते हैं कि जैसे ही ओनरशिप या फिर उसका टाइटल गुड्स का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है परचेजर को, उसी डेट को मान लेंगे कि रिवेन्यू है जो रिकॉग्नाइज हो चुकी है, रियलाइज़ हो चुकी है, ना कि जब एक्चुअल में कैश रिसिप्ट हुई है। हमने इस डेट को रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं माना, हमने इस डेट को रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मानना है कि जब गुड्स को सप्लाई किया जा चुका है सेलर के द्वारा, जिस डेट को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई है गुड्स की उसी डेट को हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मानेंगे। लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिनको हम टाइम बेस पे लेके चलते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे रिवेन्यू मिला है एज ए इनकम रेंट के रूप में, रेंट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, ऐसे ही कमीशन मिला है। तो यहाँ पे हम रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन पे जो लेके चलेंगे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, वो हम टाइम बेस पे लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने किसको कंसीडर करना है, टाइम बेस को कंसीडर करना है। अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि रेंट है जो 31 मार्च 2015 का जो रेंट है वो हमने रिसीव कब करना होता है, अप्रैल 2015 के अंदर। 31 मार्च का रेंट अप्रैल 2015 में रिसीव हुआ है, लेकिन जब हम अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, अकाउंट को क्लोज़ कब किया जाएगा, जो ये ईयर होगा ये 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 को जब हम अकाउंट क्लोज़ करेंगे, तो जो ये 31 मार्च वाला रेंट होगा वो इसी साल के अंदर काउंट किया जाएगा, ना कि नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि इसको हम टाइम बेस पे लेके चलते हैं। जिस मंथ का रेंट होगा उसी मंथ में हम उसको कंसीडर करेंगे कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है, बेशक वो रेंट हमें नेक्स्ट मंथ ही क्यों ना रिसीव हुआ हो। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो कमीशन है, कमीशन वो रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हुआ 31 मार्च 2015 को कमीशन रिसीव किया गया, जबकि जो ये कमीशन था वो था किस मंथ का, अप्रैल मंथ का, यानी कि वो मार्च में रिसीव हो गया। थर्ड मंथ कौन सा होता है, मार्च, कि अप्रैल मंथ का कमीशन मार्च मंथ में रिसीव हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एडवांस में रिसीव हो गया। तो जब हम अकाउंट को क्लोज़ करेंगे 31 मार्च को, तब हम उस टाइम पे अप्रैल मंथ का कमीशन इस ईयर के अंदर है जो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये हमारे पास एडवांस मिला हुआ कमीशन है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ना कि इस ईयर से। इस कारण से हमने टाइम बेस पे इनकम को लेना है, चाहे वो रेंट हो,
चाहे इंटरेस्ट हो चाहे कमीशन हो, यानी कि जो रेंट इंटरेस्ट और जो कमीशन है वो जिस मंथ का होगा उसी मंथ का उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मानेंगे, चाहे वो रिसीव्ड एडवांस में हो गया हो चाहे वो रिसीव्ड है जो लेट मिला हो, लेकिन जिस मंथ का हमें वो रेंट इंटरेस्ट कमीशन है उसी मंथ का हम उसको काउंट करके चलेंगे, हम उनको टाइम वेस्ट पे जो लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट के कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कहाँ पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का रूल अप्लाई नहीं होता। सबसे पहला केस आता है कि जब सेल किया गुड्स को इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट होते किस्त के अंदर जब उसको सेल किया था गुड्स को, तो उस केस में जैसे अमाउंट कलेक्ट होता है इंस्टॉलमेंट का तो उसको हम रिवेन्यू रियलाइज्ड मानते हैं। अगर ऐसे नेक्स्ट केस की बात की जाए, अगर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे जो वो प्रोजेक्ट जिनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लंबा टाइम लगता है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा पोस्टपोन करना रिवेन्यू को पोस्टपोन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो इस केस में जो प्रोपोर्शन है, जो हिस्सा कंप्लीट हो चुका है कंस्ट्रक्शन का, उस हिस्से के बराबर जो रिवेन्यू का हिस्सा बनता है उसको हम रिवेन्यू रियलाइज्ड मानेंगे, यानी कि जितना काम कंस्ट्रक्शन का पूरा हो चुका है उतने के बराबर जो रिवेन्यू जनरेट हो चुका है उसको हम रिवेन्यू रियलाइज्ड है जो मानेंगे। अगर माइनिंग के केस की बात की जाए तो यहाँ पर जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, जैसे प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वो सेल किया गया हो चाहे सेल ना किया गया हो, जैसे प्रोडक्शन हो गया हम तभी मान लेंगे कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं कि जब हम रिवेन्यू को जनरेट करते हैं तो उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे कुछ खर्चे आते हैं, तो जितना रिवेन्यू जनरेट किया उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे जितने खर्चे आए हम दोनों को क्या करके चलेंगे, मैच करके चलेंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। कहते जो ये कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम करेक्ट डिटरमाइन कर पाते हैं नेट प्रॉफिट को। इससे हमें नेट प्रॉफिट जो बिल्कुल सही पता चल जाता है, क्योंकि हमने एक कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड का जो रिवेन्यू और जो उसका कॉस्ट होता है रिवेन्यू को जनरेट करने का, वो दोनों मैच करके चलती हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से हम डिटरमाइन करते जब नेट प्रॉफिट को, जो बिजनेस ऑपरेशन के दौरान किया गया है, तो जितने भी खर्चे किए जाते हैं रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए उस रिवेन्यू से चार्ज किए जाते हैं, तो यहाँ पे मैचिंग कॉस्ट किए जाते हैं रिवेन्यू के साथ, यानी कि रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे जितने खर्च किए गए कॉस्ट किए गए उसको मैच कर देंगे। फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कितना कॉस्ट आया है इस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे, तो फिर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों को क्या करेंगे, मैच करके चलेंगे। तो जब हम मैचिंग कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कि जब आइटम जो होती है रिवेन्यू की उसको हम शामिल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो जितने खर्चे होते हैं उस रिवेन्यू से रिलेटेड, तो वो भी सारे हम चाहे पे किए गए हों चाहे पे ना किए गए हों, हम उन खर्चों को भी दिखा के चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इस प्रिंसिपल के बेस पे जो आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग खर्चे वो खर्चे होते हैं जो कर तो लिए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए हैं, तो उन खर्चों को भी हम दिखा के चलेंगे। जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तब यहाँ पे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जितना हमने रिवेन्यू जनरेट किया है उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे यहाँ पे दिखाते हैं हम, ताकि रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों मैच हो जाए और जिससे हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो सही पता चल जाए कि नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट इस साल का कितना हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो खर्चे भी हम दिखाएंगे जो पे किए गए हैं या नहीं पे किए गए हैं लेकिन हो चुके हैं खर्चे, जिसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो हो तो चुके हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया गया, तो इन खर्चों को भी हम यहाँ पर दिखाएंगे ताकि हमें सही नेट प्रॉफिट का जो पता चल जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का। इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट इस साल से रिलेटेड है उसको तो हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर, जो एडवांस में पे कर चुके हैं हम इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट जिसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में होगा, तो उसको हम बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाते होते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। नेक्स्ट आते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड की, वो खर्चा जिन गुड्स का अभी रिमेन अनसोल्ड, यानी कि जो गुड्स अभी बिकी नहीं है
अनसोल्ड है, स्टॉक में पड़ी है, जो हमें ईयर के लास्ट में पता चलता है, क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक के जो खर्चे होते हैं तो उनको भी हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है, जो गुड्स अभी इस साल बिकी नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर हमें बेचनी होती है, तो जो उसकी कमाई होगी वो भी नेक्स्ट ईयर होगी, तो उसके खर्चे भी हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर ही करेंगे। तो यहाँ पे जो गुड्स सेल की गई है, सिर्फ वही गुड्स के खर्चे हम इस साल में दिखाएंगे, जो गुड्स अभी अनसोल्ड हैं उनको, उनके खर्चों को भी हम नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है लास्ट ईयर का, वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इसी तरीके से कहता कि जो इनकम रिसीव होती है उसको ऐड कर देते हैं रिवेन्यू के अंदर, और इनकम रिसीव जो होती है एडवांस उसको माइनस कर देते हैं रिवेन्यू में से। जो हमने रिवेन्यू जनरेट किया है उसको तो हम इनकम में ऐड कर देंगे, लेकिन जो एडवांस वाली इनकम है उसको नहीं लेके चलेंगे, उसको हमने माइनस कर देना है रिवेन्यू में से। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं बिजनेस के अंदर, उन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई किया जाता है सबूतों के तौर पे। जैसे कि जब कैश में लेन देन किया जाता है तो कैश स्लिप रखी जाती है, जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो की जाती हैं उनके वाउचर्स रखे जाते हैं, एग्रीमेंट्स रखे जाते हैं, स्लिप रखी जाती है, ताकि वेरीफाई किया जा सके ट्रांजेक्शन्स को, उनके जो एविडेंस रखे गए हैं उनके साथ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहते हैं कि जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की गई हैं वो ऑब्जेक्टिव तरीके से की जानी चाहिए रिकॉर्ड, ना कि पर्सनल बायसनेस हो उसमें, यानी कि पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से हर एक ट्रांजेक्शन्स को है जो रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि ट्रू रिजल्ट्स हैं जो पता चल जाएं। यहाँ पे ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट और वाउचर्स रखे जाते हैं, जैसे कैश मेमोज रखना, इनवॉइसेस रखना, सेल्स बिल रखना, पे इन स्लिप रखना, कॉरेस्पोंडेंस एग्रीमेंट्स एटसेट्रा, ताकि जब इन ट्रांजेक्शन्स को हम चेक करें तो इनको वेरीफाई करने के लिए इनके ये एविडेंस है, जो ये एविडेंस ये हमें वेरीफाई करने में हेल्प करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब गुड्स को परचेज किया गया कैश में, तो जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय कैश, क्योंकि यहाँ पे जब गुड्स को परचेज करेंगे कैश में तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, कैश पे। तो कहते हैं कि ये कैश रिसिप्ट फॉर मनी पेड एंड इफ़ द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट द ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कॉपी ऑफ इनवॉइस और डिलीवरी चलान। कहते हैं कि अगर कैश में हमने गुड्स को खरीदा है तो यहाँ पे कितना मनी पे किया गया है उसका हमें सबूत रखना पड़ेगा। अगर हमने उधार पे गुड्स को खरीदा है तो उसके लिए हमने जो कॉपी होती है इनवॉइस की या डिलीवरी चलान होता है उसको रखना पड़ेगा, ताकि हम वेरीफाई कर सके ट्रांजेक्शन्स को। जो कैश रिसिप्ट और जो इनवॉइस होती हैं ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, सबूत के तौर पे काम करती हैं ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए, कि जो ट्रांजेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे रिकॉर्ड की गई हैं। ऑब्जेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसा रीज़न रहता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस होता है, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसकी एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर, एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, बिकॉज कॉस्ट एक्चुअली पेड फॉर एन असेट दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट कैन वेरीफाई फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि जब हम असेट्स को अक्वायर करते हैं, जो उसका एक्विजिशन कॉस्ट है, तो उसी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, तो जो हमें हेल्प करते हैं वेरीफाई करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को। दूसरी तरफ कहता है कि अगर असेट रिकॉर्ड की जाती है मार्केट वैल्यू के अंदर, या क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो करंट प्राइस होता है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है जो नहीं रह पाएगी, यहाँ पे जो पर्सनल बायसनेस है जो अराइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिफर करती है, चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। इसी कारण से ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वेरीफाई किया जा सके ट्रांजेक्शन्स को एविडेंस के तौर पे, जिससे जो ट्रांजेक्शन से रिजल्ट्स निकले वो वेरीफाई किए जाने के बाद रिलायबल हों, विश्वास योग्य हों। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में अगर हम एक्विजिशन कॉस्ट को लेकर चलते हैं तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है, अगर हम मार्केट वैल्यू के बेस पे लेकर चलेंगे तो मार्केट वैल्यू तो डिफर करती है, चेंज होती रहती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, तो इस कारण से वहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है जो कोलैप्स हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को फॉलो करके जो रिजल्ट्स को वेरीफाई किया जाता है और विश्वास योग्य रिजल्ट्स को लिया जाता है।
तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनते थे। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।